ट्रक ड्राइवर एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा सकता है। आप सब ने मेरी ये वीडियो देखी होगी, Why I came here, Perth is worse। तो गाइस पर्थ उतना ही बेकार नहीं है, डोंट वरी। मेरा पर्थ का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, हम आज उन सब के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा। प्लस मैं बताऊंगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब्स कौन सी हैं, सबसे ईजिली जॉब जो तुम्हें मिल सकती है। उतनी भी ईजी नहीं, बट प्रीटी मच। साथ साथ मैं वो मिस्टेक्स भी शेयर करूंगा जो मैंने की घर और जॉब ढूंढते हुए, ताकि तुम ना करो। सो हेलो बड़ी, दिस इज गौरव, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एल्प फॉर गौरव, लेट्स गेट स्टार्टेड व्हेयर यू कैन डू इट बेटर। हाँ तो गाइस सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पर्थ में सेफ्टी की। भाई इसके बारे में मैं अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता, पर्थ सच में सेफ नहीं है, काफ़ी एरियाज है जो सेफ नहीं है। तो जो तुम यहाँ पे एकोमोडेशन ढूंढो, पूरी अच्छे से रिसर्च करके एकोमोडेशन ढूंढना, ठीक है। सेकंड गाइस ये बात कर लेते कि एकोमोडेशन ढूंढना भी कैसे है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हर एक के ऐड के नीचे ये लिखा रहता है ओनली फॉर फीमेल्स। तो गाइस एकोमोडेशन की देखो दिक्कत तो होने वाली है, पर उतनी नहीं होगी जितनी मुझे हुई थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था पूरा का पूरा घर या फिर पूरी की पूरी यूनिट लीज पे लेने के लिए। फिर दूसरी दिक्कत मेरे साथ ये हुई कि मैंने सिडनी से ही बुक करके आया था मैं रूम, कि हाँ मैं ये रूम लूँगा, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की थी। और जब मैंने पर्थ में लैंड किया, वो आदमी एन वक्त पर मना कर गया। तो गाइस जब तुम घर ढूंढो, मेक श्योर कि भी एक रूम ही ढूंढना, पूरा घर या यूनिट लीज पे मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और अगर तुम पहले से कहीं और से ही बुक कर रहे हो, तो भाई पहले ही थोड़ी सी पेमेंट कर देना, ताकि वो बंद जाए तुम्हारे साथ कि यहाँ पे तुम्हें ही रूम देना पड़ेगा उसे। और तो नेक्स्ट गाइस अगर जॉब्स की बात करें, जॉब्स में मैंने देखो तुम पहले बता ही दिया है कि भाई इतने स्टूडेंट्स आ गए इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि देखो मैं वो जॉब्स ढूंढ रहा था जो एक स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होती हैं, जैसे कि वैन डिलीवरी ड्राइवर की जॉब, क्योंकि उसमें जैसे 5 दिन तो जॉब मांगते हैं वो। यहाँ पे वीकेंड पे वैन्स वगैरह नहीं चलती डिलीवरी की कुछ खास। जो मेरे फर्स्ट 5 डेज़ है, वीक डेज़ है, उनमें से 2 दिन तो मेरी क्लास ही होगी, बचे कितने दिन, 3 दिन। अब 3 दिन के लिए जॉब मुझे देगा ही कौन, तो इसलिए भाई कुछ खास वो नहीं मिली। और जहाँ तक रही वो जॉब्स जो मैं नहीं करना चाहता, जो मैंने यहाँ के लिए अप्लाई ही नहीं की, वो जॉब्स थी गाइस जैसे कोल्स में क्लीनिंग की जॉब, वूलवर्थ में क्लीनिंग की जॉब, या फिर आइल्स फिलिंग की जॉब, जो मतलब दूध वगैरह भरना होता है, मतलब आइल्स में दूध रखना है और ग्रोसरी वगैरह रखनी है, वो जॉब्स मैंने वो भी नहीं ढूंढी। ना मैंने ट्रॉली पुशिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई किया जो कोल्स वगैरह में होती है, ना मैंने मैकडोनल्ड में अप्लाई किया। मैकडोनल्ड में तो मेरा एक्सपीरियंस ही इतना गंदा था, जब मैंने सिडनी में मैकडोनल्ड में 2 से 3 महीने काम किया था, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं मैकडी में काम करता ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा रेसिज्म तुम्हें मैकडोनल्ड में ही मिलेगा सबसे ज़्यादा। फिर दूसरा एक हंग्री जैक्स, एक्चुअली हंग्री जैक्स होता है जैसे इंडिया में बर्गर किंग है ना, बर्गर किंग को यहाँ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हंग्री जैक्स कहते हैं, वो ना मैंने उसमें अप्लाई किया, ना मैंने पिज्जा हट में अप्लाई किया, ना मैंने डोमिनोज में अप्लाई किया। तो मैंने ये रेस्टोरेंट्स वगैरह की जॉब में तो बिल्कुल अप्लाई नहीं किया, ना मैंने कार वॉश में अप्लाई किया, कार वॉश का मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा है, रेस्टोरेंट्स का भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इसलिए मैंने इन जॉब्स में तो अप्लाई किया ही नहीं, जो कि एक स्टूडेंट के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं, क्योंकि देखो 2 दिन क्लास तुम्हें लगानी ही पड़ेगी यहाँ आके, तो बाकी के दिन अगर जॉब करनी है तो यही जॉब्स होती हैं। पर स्टिल मैं इसलिए अपना लाइसेंसेस बना रहा हूँ अपने फोर्कलिफ्ट सिक्योरिटी वगैरह के, ताकि मैं फ्लेक्सिबली काम कर सकूँ कि कोई भी जॉब, और मेरी क्लासेस मेरे रास्ते में ना अड़े। और मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूँगा कि ये डोमिनोज, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, हंग्री जैक्स, पिज्ज़ा हट, इन सब में जॉब्स मत करना, कोई फ़ायदा नहीं इन जॉब्स का, आगे जाके तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा इनका। लेकिन अगर तुमने लाइसेंस बनवा के सिक्योरिटी की जॉब कर ली, तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा पे रेट मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनवा लिया तो उसमें भी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, तो भाई थोड़ा प्रेफरेंस फिर ज़्यादा हो जाती है इस मामले में। मतलब यही है बात भाई, ये देखो यार रेस्टोरेंट्स वगैरह की जॉब में घुसने की मतलब ज़रूरत तो नहीं है, पर वही अगर जब स्टार्टिंग में अगर कोई और जॉब नहीं मिलेगी तो इनमें ही घुसना पड़ेगा। अब मैं भी ट्रॉली पुशिंग या क्लीनिंग की जॉब करूँगा अगर मुझे कोई और जॉब नहीं मिली, पर स्टिल मैं अभी उन्हें अभी भी मैंने उनके लिए अप्लाई नहीं किया है, अभी मैं ऊबर ईट्स वगैरह में ही घुसा हुआ हूँ और साथ साथ में अपने सारे के सारे लाइसेंसेस बनवा रहा हूँ। और गाइस जब तुम यहाँ पे आओगे, तुम ऑब्वियसली ये तो है नहीं कि तुम्हारा 1-2 दिन में ही लाइसेंस बन जाएगा, हर चीज़ का थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ लाइसेंस में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, फेल भी हो सकते हो या कुछ भी हो सकता है। तो तब तक तुम ये रेस्टोरेंट्स वगैरह की जॉब कर लेना प्लीज़, नहीं तो फिर अपने ऊबर ईट्स, मैनीलॉग, डोडश वगैरह इनके अकाउंट बना के रखना, अगर तुम्हें इनमें काम नहीं करना है फिर भी अगर कभी करना पड़ जाए तो इनके अकाउंट्स बना के रखना। प्लस इसके साथ एक और जॉब बताता हूँ जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। हाँ तो गाइस जो पहली जो मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा करने के लिए, जिसमें तुम्हें दिन के 6 घंटे करनी होगी, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, तुम्हारे मेरे ख्याल से $180 या $200 बन जाएंगे 6 आवर्स में ही, जो कि काफ़ी ज़्यादा है पर्थ के हिसाब से। तो भाई तुम्हें सिंपली सर्च करना है रांड स्टार्ट,
रांड सिर्फ नहीं, रांड नहीं करना। तो भाई ये है RANDSTAD, रांड स्टार्ट। तो भाई गूगल पे ये सर्च करें, तुम्हें सिंपली इसकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके तुम्हारे सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। सबसे पहले ये ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में जहाँ पे GJ लिखा हुआ है मेरा नाम, उस पर टच करके तुम्हें अपना एक न्यू अकाउंट साइन अप करना है। इसमें अपनी CV अपलोड करनी है, CV या रेज्यूमे तुम खुद बना सकते हो, कोई इतनी वो नहीं कि तुमको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, बकवास। अपनी CV अपलोड करने के बाद तुम्हें जाना है इनके ऑफिस में, जो कि एड्रेस है ये तुम देख सकते हो, ये रहा इनका एड्रेस। यहाँ पे जाना है और इनके ऑफिस में एंटर करते ही तुम्हें सामने ही एक फॉर्म्स मिलेंगे पिंक से कलर के, उस पर लिखा होगा WWCC वर्क विद चिल्ड्रन। वो डॉक्यूमेंट उठा के तुम्हें वो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा फिल करना है। तुम्हें किसी भी ऑस्ट्रेलियन पोस्ट में जाना है, नियर बाय ऑस्ट्रेलियन पोस्ट में, उसमें वो फॉर्म देना है और कहना है कि मुझे वर्क विद चिल्ड्रन की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। वो तुमसे ये फॉर्म ले लेंगे और तुम्हें एक टेम्परेरी पेपर पे साइन करके भी दे देंगे कि हाँ भी ठीक है, जब भी तुम्हारी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। एक्चुअल कार्ड आने में तो 1 महीना लगेगा तुम्हारे एड्रेस पे, लेकिन तुम उस पेपर की वजह से जिस पे वो साइन करके देंगे, उस पेपर की वजह से तुम स्टिल जॉब पहले ही स्टार्ट कर सकते हो। मैंने जिस भी बिजनेस के बारे में बताया मैं सबका लिंक शेयर कर दूंगा, रांड साइड वगैरह वगैरह। और तुम्हें नेक्स्ट जॉब्स मैं तुम्हें बताई थी मैंने पहले भी, क्लीनिंग वगैरह की या फिर कस्टमर हैंडलिंग जैसे कॉल्स वूलवर्थ में, या तो मतलब कस्टमर केयर, ये सब वगैरह जॉब्स तुम कर सकते हो। और जैसे डोमिनोज, KFC, पिज़्ज़ा हट, ये सब जॉब्स कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इनमें देखो जॉब्स वैसे तो हमेशा रेफरेंस से ही मिलती है, अगर तुम्हारी रेफरेंस है तो बढ़िया है, नहीं तो इनमें जॉब लेने का सबसे इजी तरीका है कि पहला स्टेप था कि ऑनलाइन अप्लाई कर दो, कि जैसे तुम्हें कॉल्स में अप्लाई करना है तो फिर कर दो कॉल्स जॉब अप्लाई, या फिर कॉल्स का एक होता है कॉल्स करियर्स लिख के तुम गूगल में सर्च कर सकते हो। और तुम्हें फिर वो जॉब अप्लाई करने के लिए पहले तुम अपनी वही साइन अप करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, मतलब फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी, तुम फिर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप क्या है कि सेकंड स्टेप ये कि देखो रेफरेंस से मिलती है, अगर तुम ऑनलाइन अप्लाई करोगे वो कैंसिल ही कर देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई अगर तुम्हारी रेफरेंस नहीं है तो भाई तुम एक काम कर सकते हो कि जहाँ पर तुमने अप्लाई किया है, जिस स्टोर में अप्लाई किया है, वहाँ पे खुद जाओ, उसके मैनेजर से मिलो एक दो बार जाओ, फिर उससे बोलो कि यार मेरे को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं नया आया हूँ या नई आई हूँ ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में। तो क्या होता है कि वो कभी कभी तुम्हारी डेडिकेशन देख के, तुम्हारी हालत देख के तुम्हें जॉब दे देते हैं। मैंने मैकडोनल्ड में जॉब ऐसे ही ली थी, मैंने तो खैर टाइम पास के लिए करी थी, पर फिर भी मैं जैसे मैनेजर से मिलने जा रहा था और कंटिन्यूसली 4-5 दिन गया था क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में मिला ही नहीं, तो मैं जो उससे मिलने गया वो मुझे मिला और उसको बोला कि हाँ ठीक है मुझे तेरी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो भाई ऐसे मुझे बिना किसी रेफरेंस के मैकडोनल्ड में जॉब मिल गई थी। वैसे मैकडोनल्ड में तो देखो रेफरेंस की ज़रूरत होती भी नहीं है ज़्यादातर, उसमें तो वैसे भी जॉब मिल ही जाती है। रेफरेंस की उसमें ज़रूरत तब पड़ती है जब तुम ओवर 20 हो, क्योंकि फिर थोड़ा मतलब 18 से प्लस हो जाए, 19, 20 या 21 से ऊपर, मतलब 20 से ऊपर हो जाए, तो उन्हें ना तुम्हें पे रेट ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसलिए वो भाई 20 प्लस को जॉब कम ही देते हैं। बल्कि तुमने कभी नोटिस कर किया ही होगा, या फिर तुम जब यहाँ पे आओगे नोटिस करना कि वहाँ पे मैकडोनल्ड में ना बहुत यंग लड़के, टीनेजर्स लड़के और लड़कियाँ काम करती हैं, वो इसलिए ही उनको हायर करते हैं क्योंकि उनको उन्हें पे रेट कम देना पड़ता है, आवरली रेट। तो गाइस जॉब चाहे कोई भी हो, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट वगैरह, डोमिनोज, जो भी रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, ऑनलाइन अप्लाई करके एक बार मैनेजर से मिलने जाओ, या हायरिंग मैनेजर, जो सा भी हायरिंग मैनेजर है या डिपार्टमेंट मैनेजर है, जो भी है उनसे मिलने जाओ, तुम्हें जॉब मिल जाएगी पक्का। तो गाइस नेक्स्ट जॉब जो तुम कर सकते हो, टैक्सी जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं उसका तुम्हें एक थोड़ा एडवांस फॉर्म बताता हूँ और तुम्हें थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ कि भी वो तुम टैक्सी कैसे चला सकते हो। टैक्सी चलाने के लिए देखो पहले तुम्हें यहाँ पे पर्थ में अपना DOT डायरेक्ट होता है, जो मैंने पहले ही बताया था। अगर तुम्हें मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो तुम आई बटन पे टच करके मेरी वो पहले वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने इस प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है। तो भाई तुम वहाँ पे जाके PTT या फिर उसे PTD बोलते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, हाँ यही होते हैं मेरे ख्याल से, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, इस पर टच करके तुम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो NCC चेक यानी कि नेशनल क्राइम चेक तुम वही अपलोड कर सकते हो जो तुमने ऊबर में अकाउंट बनाते टाइम अप्लाई किया था, वही सेम PDF तुम्हें उसमें अपलोड कर देना, वही चल जाएगी। सेकंड तुम्हें एक अप्लाई करना है, उसके नीचे ये एक तुम्हें लिंक मिलेगा कि भी मेडिकल सर्टिफिकेट तुम उस पर क्लिक करोगे तो उसमें तुम्हारी डिटेल्स ऑलरेडी भरी आती हैं ऊपर। जैसे ये देखो इसमें ऊपर मेरा नाम ऑलरेडी आया, मैंने नहीं लिखा ये गौरव जांगड़ा, इसमें बाकी मेरा नीचे फिर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और मेरा सिग्नेचर मैंने किए हुए हैं और बाकी की चीज़ें इसमें हैं।
तो भाई ये तुम्हें एक जीपी डॉक्टर के पास लेके जानी पड़ेंगी। यहाँ पे एक जीपी डॉक्टर होता है, मेरे को नहीं पता उसकी फुल फॉर्म क्या है। जीपी डॉक्टर के पास ले जाके तुम्हें उस पर ये साइन करवाना पड़ेगा। इसके मेरे ख्याल से 120 पता नहीं $180 लगते हैं, काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव है देखा जाए तो तुम्हें उस पर के पास जाके ये साइन करवाना पड़ेगा। और ये फिर तुम्हें दोबारा स्कैन करके फिर तुम्हें उसी पेज पर जाके DOT डायरेक्ट के वहाँ पे तुम्हें ये अपलोड करना है। अभी ये मैंने साइन करवाया हुआ है, मेरा NCC भी कंप्लीट है, अभी मैंने भी एप्लीकेशन उसमें डाली हुई है PTD की, वही वो अप्रूवल होते ही मैं टैक्सी चला सकता हूँ। और जैसे कि मैंने पहले बताया था टैक्सी में बहुत ही ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा। तो गाइस नेक्स्ट जॉब जो तुम कर सकते हो वो है ट्रक ड्राइविंग की। ट्रक ड्राइविंग भाई बहुत ज़्यादा पैसा है, ट्रक ड्राइविंग तुम मानोगे नहीं। ट्रक ड्राइवर एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। वो करने के लिए तुम्हें एक इंटरस्टेट ट्रक ड्राइवर होना चाहिए कि भाई तुम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान डिलीवर कर रहे हो, तो उसके लिए काफ़ी बड़ा ट्रक होता है। पर उसके लिए भाई देखो कार का लाइसेंस तो यूज़ कर नहीं सकते तुम ऑब्वियसली। दो तरीके हैं जिसके थ्रू तुम ट्रक का लाइसेंस बनवा सकते हो। पहला तरीका तो ये है, देखो तुम्हारा जो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है ना वो 1 साल पुराना होना चाहिए, तब तुम HR के लिए, HR या MR जोन सा ही फर्स्ट लाइसेंस होता है ट्रक का, उसके लिए अप्लाई करके टेस्ट देके तुम अपना लाइसेंस बनवा सकते हो। पर वो तब अगर तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस ऑलरेडी हो। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली, अगर तुम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या जिस भी कंट्री से आ रहे हो, अगर तुम्हारा लाइसेंस 4 साल से पुराना है तो तुम यहाँ आके डायरेक्ट ट्रक का ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो भाई। ऐसे तुम ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। और ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते ही तुम ट्रक की जॉब भी कर सकते हो ऑब्वियसली, और मेरे ख्याल से इस साल में 1 करोड़ से ऊपर रुपया छाप सकते हो, बल्ले बल्ले। अदरवाइज एक तीसरी जॉब जो तीसरा डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी, मतलब स्टूडेंट्स को भी वो जॉब मिलती है, वो है कॉल सेंटर की। गाइज यहाँ पर एक है TSA के नाम से एक कंपनी है, वो उसके पास काफ़ी सारी कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उस कंपनी के कॉलिंग डिपार्टमेंट को संभाल लेगी। जैसे यहाँ पर एक पर्थ सिटी में है, वेस्ट मेरे ख्याल वेस्ट पर्थ है सबब का नाम, उस सबब में है एक TSA, वो उसके पास है टेलस्ट्रा का भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पास और भी काफ़ी कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हाँ भाई तुम उस कंपनी के पास जाके या ऑनलाइन सर्च करके उस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वोन कर देता हूँ भाई बहुत गंदी जॉब है। पैसे ठीक हैं, अच्छे हैं पैसे, पर बहुत ज़्यादा गंदी जॉब है। जैसे वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी 7 o'clock जॉब शुरू होएगी, कभी कभी 7:10 पे शुरू होएगी, और तुम्हें हमेशा कहेंगे 10 मिनट पहले आओ, और भाई अच्छे से सिखाते भी नहीं है, बहुत गंदा सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा। मतलब वो तुम हायर तो कर रहे हो पर अच्छे से सिखा भी नहीं रहे हो, बहुत गंदे हैं यार, बहुत ज़्यादा गंदे लोग हैं। तो भाई बड़ी मुश्किल से सीखा जाता है, प्लस उसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, क्योंकि उनमें बहुत सारी विंडोज़ खोलने पड़ते हैं, बहुत सारी विंडोज़ पे पासवर्ड लगाने पड़ते हैं, ID पासवर्ड पता नहीं किस किस चीज़ पे, फिर कहीं जाके तुम्हारी कॉलिंग स्टार्ट होती है। और अगर वो ऐसा करते हैं, अगर तुम 1 मिनट भी लेट हो गए ना, 1 मिनट के पैसे काट लेते हैं, मतलब क्या है यार, हद कर रखी है। फिर बीच में ब्रेक देते हैं, कहते हैं कि ठीक है ब्रेक ले लो, अगर हम ये कहें कि हमें ब्रेक नहीं चाहिए रहने दो, तो फिर भी नहीं माने, ब्रेक लेनी ही पड़ेगी, तो फिर ब्रेक ले रहे हैं तो फिर कहते हैं पैसे नहीं पे करेंगे, अनपेड ब्रेक होती है। और ब्रेक लेना मैंडेटरी है इनके इस जॉब में, पता नहीं 1 घंटे का ब्रेक होता है टोटल पूरे दिन का। ये 7 से 4 o'clock तक की जॉब होती है, सॉरी 7 से लेकर 3:35 या 3:30 तक की जॉब होती है। और हमेशा ऐसे करते हैं कि भी जैसे ब्रेक पे जाना हो ना, तो ब्रेक में भी 10 मिनट पहले कहते हैं 10 मिनट पहले आओ ताकि तुम अच्छे से लॉग इन कर सको, ये कर सको, वो कर सको। मतलब आधे घंटे का ब्रेक है, तुमने उसका 20 मिनट बना दिया है, प्लस फिर पे भी नहीं कर रहे हो। और ये गंदी जॉब इसलिए है क्योंकि भाई इसमें देखो कस्टमर कॉल करते हैं, तो मतलब बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो गालियाँ देते हैं, पता नहीं मतलब कहते हैं मैं आधे घंटे से वेट कर रहा था, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये है वो है। मतलब बहुत अजीब भी कस्टमर आते हैं जिनका सर घुमा होता है, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं यार। फिर उनका वो तो कस्टमर उनको कुछ कह भी नहीं सकते, वो बाद में रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं, रैंडमली चेक हो गया तो फिर तुम्हें बोल लेंगे ऑब्वियसली। तो इसलिए भाई इस जॉब को सिर्फ वही करना जो मतलब कस्टमर की सुन सके और इन चीज़ों को इग्नोर कर सके। हाँ तो गाइस नेक्स्ट जॉब है वैन डिलीवरी ड्राइवर की। अगर तुम्हें किसी रेफरेंस के थ्रू वो जॉब मिल जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना जो सामान ट्रांसफ़र करने का, मतलब जैसे पूरे पर्थ में है, और पूरे पर्थ में मतलब जैसे इंटरस्टेट उनका सामान आता है, फिर पूरे पर्थ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो वैन्स यूज़ करते हैं, या फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है अपनी काफ़ी सारी वैन उस कंपनी में डाल देता है कि भाई ठीक है मेरी इस वैन को कॉन्ट्रैक्ट दो, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वैन को मिलता है, तो फिर वो उस वैन पे ड्राइवर हायर करता है, तो तुम वो उस ड्राइवर का काम कर सकते हो। अच्छी जॉब है, पर मुझे इसलिए मिली क्योंकि मेरे 2 दिन की क्लासेस होती हैं और सिर्फ 3 दिन में मुझे काम दे नहीं सकता।
पर अगर तुम्हें मिल जाए किसी की रेफरेंस के थ्रू या जो भी हो तो तुम कर सकते हो, अच्छी जॉब है। पर मुझे नहीं पता भाई कैसे ढूंढनी है ये जॉब। हालांकि जो कंपनी है ना जो डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे पर्थ में, जैसे एक कंपनी है टोल नाम की, TOLL, वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में है, पर मतलब काफ़ी सारी कंपनीज है पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई हैं। वो खुद के ड्राइवर्स भी हायर करती है, उनके खुद की वैन भी है, उनके खुद के ट्रक्स भी हैं। मैंने उसमें अप्लाई किया था क्योंकि उनके पास वैन के ड्राइवर की वैकेंसी नहीं है, ट्रक के ड्राइवर की वैकेंसी है। इसलिए मैं बस अभी एक दो हफ्ते रह गए, मेरा इंडियन लाइसेंस है जो 4 साल पुराना हो जाएगा, फिर मैं ट्रक का लाइसेंस अप्लाई करके ट्रक का लाइसेंस लेके फिर मैं ट्रक की जॉब ढूंढूंगा। अगर मेरे को टोल में मिल गई तो टोल में ही कर लूँगा, काफ़ी बड़ी जॉब है, काफ़ी प्रोफेशनल जॉब होगी। अदरवाइज नेक्स्ट जॉब है वो है सिविक ट्रांसपोर्ट, ये भी सेम वैन डिलीवरी की जॉब है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपनी वैन रेंट पे या ख़रीदनी पड़ेगी जो भी है तुम, या सेकेंड हैंड खरीद लो या न्यू खरीद लो जो भी है। उसमें ड्राइवर्स की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, उनसे जाके मिल सकते हो। वो सब कुछ सेम मतलब सेम वैन डिलीवरी ड्राइवर की जॉब है, पर बस वही है मतलब उसमें खुद की वैन लगानी पड़ती है रेंट पे लेके, और वो बिल्कुल ऊबर की तरह है। मतलब ऑर्डर आते हैं तो मल्टीपल ऑर्डर्स आते रहते हैं और वो अपने आप तुम्हारे में ऐड कर देते हैं, तुमसे मतलब तुम्हारे पास रिक्वेस्ट भेजते हैं सिविक ट्रांसपोर्ट वाले कि भी तुम ये तुम्हारे रास्ते में जा रही तुझे करनी है, और तुम्हें उस पर डिलीवरी का कमीशन मिलता है। अच्छी जॉब है, पर मैंने इसलिए नहीं कि मैं अपना थोड़ा लाइसेंस वगैरह बनवा के इससे अच्छी जॉब करूँगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, यही जॉब्स थी जो मुझे अब तक पता चली जो तुम कर सकते हो, काफ़ी ईजिली मिल भी जाएंगी, जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। फिर भी अगर इनमें से बेस्ट ढूंढनी है तो सबसे बेस्ट है ऊबर ईट्स, मैनलोग और डोडैश, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जब चाहो शुरू कर दो, जब चाहे बंद कर दो, चाहे एक डिलीवर करके फिनिश कर दो। बस गाइस इसके अलावा मुझे कोई और जॉब्स पता चली तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा जो तुम कर पाओ। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।